गुजरात चुनाव के चलते कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आजकल सुपर एक्टिव मोड में हैं। वो रैलियां कर रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं और साथ ही पीएम मोदी को निशाने पर लेना बिल्कुल नहीं भूल रहे। सूरत में उन्होंने एक रैली में फिर से पीएम मोदी को निशाना साधा और ये कहा कि पीएम मोदी की तरह लेक्चर देने में उन्हें सालों लग जाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस में फर्क भी बताया। और वो क्या? उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस और बीजेपी में बुनियादी फर्क ये है कि बीजेपी सिर्फ बोलना जानती है, वो लोगों की सुनती नहीं है। बीजेपी में सिर्फ लाउड स्पीकर तैयार किए जाते हैं। मुस्कान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम आते ही हम चर्चा करते थे उनकी एक्टिंग के बारे में, उनकी फिल्मों के बारे में, लेकिन आजकल उनके सितारे गर्दिश में नजर आ रहे हैं। अब विवादों से उनका नाता छूट ही नहीं रहा है, वो विवादों में फंसते जा रहे हैं और किताब लिखना उनको बिल्कुल भी रास नहीं आया। क्यों? वही तो ना, कि जब से उन्होंने अपनी किताब लिखी है ऐसा लगता है कि वो उनके गले का जंजाल बन गई है। अभी हाल ही में एक मशहूर थिएटर आर्टिस्ट सुनीता राजवार ने जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लीगल नोटिस भेज दिया और साथ ही उन्हें कहा है कि 24 घंटे के अंदर वो माफ़ी मांगे और 2 करोड़ रुपए का जुर्माना भी भरे। इसके अलावा मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि सुनीता ने अपने फेसबुक पर एक लंबा चौड़ा सा पोस्ट लिखा था जिसमें कि उन्होंने ये लिखा था कि मैंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ ब्रेकअप उनके गरीब होने की वजह से नहीं लेकिन उनकी गरीब सोच की वजह से किया था। इतना ही नहीं मुस्कान, दूसरी तरफ ईडी ने उन्हें एक फर्जी कंपनी के प्रमोशन मामले में नोटिस भेजा था जिस मामले में उन्हें पेश होना था, पर वो ईडी के सामने पेश भी नहीं हुए। दिल्ली और NCR में रहना मतलब कि आफत मोल ले लेना। ना आप यहाँ पर सेफ फील करते हैं और अब तो आप खुलकर सांस भी नहीं ले पाते। अगर आप सांस लेते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप एक बलून के अंदर बंद हैं जहाँ पर अजीब अजीब तरह की गैसेस हैं। सिर्फ स्मॉग है, पोल्यूशन है। लेकिन मुस्कान, इसकी वजह से ही NGT ने सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए अब सख्त कदम उठाने बेहद ज़रूरी है। और उन्होंने ये कहा है कि कृत्रिम बारिश करवाई जाए दिल्ली में, साथ ही ऑड इवन फॉर्मूला फिर से लागू करने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि 13 से 17 नवंबर तक ऑड इवन लागू होगा तो शायद तुम्हें थोड़ा निजात मिल पाए इस पोल्यूशन से। बैंक अकाउंट्स को आधार से लिंक कराने के फैसले के बाद IRDAI ने भी एक नया निर्देश जारी किया है। IRDAI के इस निर्देश के मुताबिक बीमा कंपनियों की चुनौती बढ़ सकती है। निर्देश में ये कहा गया है कि अब बीमा पॉलिसियों को भी आधार से लिंक कराना अनिवार्य किया जाए। प्रद्युमन मर्डर केस में CBI ने आरोपी छात्र से पूछताछ की। CBI ने कोर्ट में जो रिमांड कॉपी सौंपी है उसमें लिखा है कि छात्र ने अपना जुर्म कबूला है। आपको बता दें कि आरोपी छात्र ने स्कूल को बंद करवाने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया था। गुजरात में पाटीदार नेता हार्दिक पटेल और कांग्रेस के बीच आरक्षण को लेकर फंसी बातचीत आगे बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। बुधवार को हुई बैठक के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोनों पार्टियां साथ आ सकती हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने आरक्षण को लेकर पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के सामने 3 विकल्प रखे हैं। इससे पहले हार्दिक पटेल ने कांग्रेस को इस मामले में अल्टीमेटम दिया था।